नमस्ते साथियों, चैनल मातृणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ टमाटर के ताए। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है। तो टोमेटो पैनकेक बनाने के लिए हमें टोमेटो काट लेना है। मैंने यहाँ पर टमाटर को इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। आप जितना बारीक चाहे उतना काट सकते हैं, लेकिन पीसना नहीं, इसके टुकड़े ही करना है हमें। अब यहाँ पर हम इसमें नमक डाल के रख देंगे। एक टेबल स्पून के लगभग नमक है। मेरे करीब मीडियम साइज़ के 8 टमाटर थे, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया है। टमाटर डालने के बाद यहाँ हम अपने इच्छा अनुसार 1 या 2 के लगभग प्याज डाल देंगे। आप चाहे तो प्याज डालें या स्किप कर दें, पर प्याज का जो क्रंची वाला टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। फिर लहसुन के भी मैंने यहाँ पर टुकड़े कर लिए हैं, और करीब 4 करीब 5 कली के लगभग लहसुन मैंने काट के इसमें डाल दी है। साथ ही 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, इसको भी हमें बारीक काट करके इसमें डाल लेना है। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करके करीब 1.5 से 1.25 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि इसका जितना भी पानी छूटना है वो छूट जाए। और हमने यहाँ पर देखिए टमाटर और सारे मिक्सचर को एक गड्ढे वाले बर्तन में रखा है। आप छलनी या किसी भी बर्तन में रख सकते हैं, ताकि जो भी पानी छूटेगा वो नीचे निथरते हुए आपके दूसरे बर्तन में इकट्ठा हो जाए। देखिए इस तरह से। अब हम इसे 1.5 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। चूँकि मुझे जल्दी जल्दी काम करना है, इसलिए मैं इसे ज़्यादा देर नहीं रख पाऊँगी, पर आप चाहे तो इसे 1.5 से 1.25 घंटे के लिए रख सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अजवाइन के पत्ते। आप चाहे तो इसे डालें या स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। एक बड़े बर्तन में निकाल लिया। हम इसमें आटा ऐड कर रहे हैं, करीब 1 कटोरी के लगभग ये आटा है। अब इसमें मैं 10 से 15 मिनट के लिए फिर रेस्ट के लिए रख देना है। अब इसमें हमने यहाँ डाला है 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून के लगभग चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर। नमक हम पहले ही चुके इसमें डाल चुके थे, लेकिन फिर भी आपको लगता है आप अगर थोड़ा तीखा नमकीन खाना पसंद करते हैं तो इसमें नमक ऐड कर सकते हैं, और यदि कम नमक खाते तो यह नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आटा मिलाया था, तो आटे के हिसाब से हम इसमें थोड़ा सा नमक और डाल सकते हैं। अब चूँकि हमारा जो मिश्रण है वो अच्छी तरह से पतला नहीं हो पाया है, तो यदि हमें आवश्यकता हो तो हम इसमें थोड़ा सा हमारा जो टमाटर का रस निकला था उसी को ऐड करके थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। आपको यहाँ पानी उतना ही डालना है जितने की घोल इस तरह से हो जाए। बहुत पतला नहीं चाहिए हमें यहाँ पर, बस इस तरह से होना चाहिए। तवा अच्छा गर्म करके उसका हमने तेल लगा लिया। अब इसको हमें एक तरह ताई की तरह बना लेना है। तो ये टमाटर का ताई बन करके तैयार हो गए हैं, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। बाहर से कुरकुरे और अंदर से थोड़े से रसीले होते हैं, बड़े ही अच्छे लगते हैं। साथियों, यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो इसे ट्राई ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये किस तरह से लगी। और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वो सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट, कोरोना की तीसरी लहर को देश में फैलने से रोकने में पूरा सहयोग दें, खुद भी सुरक्षित रहे और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। सुरक्षा नियमों का पालन करें।